Welcome to C.R.I International School online classes. In which class will you study? KG class. And today we will work in English notebook. Okay? Aaj hamari kaunsi formation hai dekho? Formation of S. A to R ki hamari formation complete ho chuki hai. I hope aapko achhe se har ek letter banana aaya hoga. R ke baad aata hai S. Theek hai? S for kya kya hota hai? S for sun. S for sun. Sun means क्या होता है सूरज और कब निकलता है ये मॉर्निंग में डे में निकलता है ना और S कहाँ निकलता है आसमान में तो आसमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्काई ठीक है S for स्काई यानी कि आसमान S for sun sun मतलब सूरज अच्छा जब रात होती है तब सूरज ढल जाता है sun हट जाता है ठीक है sun चला जाता है और sun के बाद क्या आ जाते हैं आसमान में तारे और तारों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं S for star ठीक है तो S for sky S for sun S for star S for क्या होता है S for ship भी होता है ship means जहाज जो कि पानी में चलते हैं ठीक है और S for sunflower यानी कि सूरजमुखी का फूल तो आपको S for five word बताए हैं S for sun S for sky S for star S for ship और S for sunflower. तो आपको ये five words अच्छे से याद रखने हैं और S की formation कैसे बनानी है उसे अच्छे से देखना है. ठीक है? देखो capital cursive sorry simple A to Z का S आपने कैसे बनाया था? एक semicircle इस side और फिर एक ऐसे semicircle ऐसे बनाया था ना? और small वाला S small cursive का ऐसे जैसे आपने स्मॉल कर्सिव का एस बनाया था सेम एस कैपिटल कर्सिव का एस बनेगा बट वो बिग होगा बड़ा होगा वो थ्री लाइंस में बनेगा 1, 2, 3 and 4 ऐसे बनेगा ठीक है वह तरीका वही है बनाने का बट वो ओनली टू लाइंस में बना था ये कितनी लाइंस में बनेगा थ्री लाइंस में बनेगा ओके और ये कहां से स्टार्ट होगा थर्ड वाली लाइन से अब देखो कैसे बनाना है एक ऊपर स्लैंटिंग लाइन लगानी है ऊपर तक राउंड करके सेकंड लाइन को क्रॉस कट करते हुए राउंड करना है और इस लाइन के बाहर जाके फिर टर्न करना है ठीक है कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे देखो जैसे आप ऊपर गए यहां से हमने सेकंड लाइन को क्रॉस किया यहां पे और यहां पे आके ऐसे आपको यहीं पर इसको टर्न नहीं करना ठीक है आपको इसको इस वाली लाइन के क्रॉस लेके जाना है और फिर टर्न करना है इस चीज को बहुत ध्यान से देखना हमें इसको ऐसे नहीं मोड़ना है हमें इसको यहां तक ले जाके फिर ऐसे टर्न करना है ठीक है इस लाइन से क्रॉस करके ऐसे ऐसे बनाना है अब स्टेप वाइज देखो ध्यान से 1 स्लैंटिंग लाइन 2 पे सेकंड लाइन को कट 3 पे राउंड करके एस ठीक है 1, 2, 3 and 4 पे हम अंदर की साइड 3 पे हम ऐसे राउंड करते हैं और 4 पे हम अंदर की साइड आते हैं 1, 2 पे सेकंड लाइन को कट 3 पे ऊपर की साइड गए और 4 पे अंदर की साइड वापस आए 1, 2, 3 and 4 ठीक है फिर से देखो ध्यान से 1 पे स्लैंटिंग लाइन लगाई 2 पे ऐसे राउंड करके कट किया 3 पे नीचे आके इस लाइन को क्रॉस करते हुए और 4 पे अंदर की साइड राउंड किया ठीक है 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3 and 4
फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करनी है, अपनी क्यू टू आर की भी फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करना और एस की फॉर्मेशन की भी प्रैक्टिस करना। जो वर्ड्स बताए गए हैं उनको अच्छे से लर्न भी करना कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आप उनको जैसे डेली यूज में बोलोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे रात को आसमान में तारे निकलेंगे तो मम्मा पापा को क्या बोलोगे, स्टार्स निकले हैं, है ना। और दिन में सूरज आए तो सन है, कहाँ पर है, स्काई, आसमान में, ठीक है। एस फॉर शिप जो कि जहाज होता है, और एस फॉर सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल। तो एस के वर्ड्स भी लर्न करने हैं, एस की फॉर्मेशन भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।